अल्लाह रहमान रहीम, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के आईटी डिपार्टमेंट से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैंने आपको बताना है कि कुछ दोस्तों को पॉइंट ऑफ सेल जब वो लोड कर रहे और इंस्टॉल कर रहे या चला रहे तो कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो हम आईटी डिपार्टमेंट वालों के साथ जब भी कांटेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं कि कैशे को क्लियर कर। तो बाद लोगों को जो है ना वो पता नहीं होता कि कैशे को किस तरह क्लियर करना है। आज मैंने आपको बताना है कि कैशे को किस तरह क्लियर करना है ताकि आपके पास पॉइंट ऑफ सेल चल जाए और मतलब रन हो जाए। तो अगर आपके पास गूगल क्रूम हो, अगर आप जो है पॉइंट ऑफ सेल गूगल क्रूम पे रन कर रहे हो, तो आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। गूगल क्रूम पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाता है, जो कि आप इधर अपना यूआरएल डालते हो। आपने जस्ट ये कोने पे आपके पास तीन डॉट्स नज़र आते हैं, तीन तीन बटन्स इधर, आपने इस पर क्लिक करना है। आपके पास ये स्क्रीन ऑन हो जाती है। आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे आपने क्लिक कर दिया। आपने इस ये जो है ना इस स्क्रोल को नीचे करना है इस तरह, सही नीचे करके आपने क्या करना है, ये क्लियर ब्राउजिंग डेटा आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आपने चेक करना है कि ये जो है ना आपके पास ये लास्ट आवर नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और ऑल टाइम करना है। सही है, ऑल टाइम करना है, सही। और इसको क्लियर करना है। आपने क्लियर कर दिया। मैंने एक काम किया, हिस्ट्री को क्लियर किया। मैं थोड़ा एडवांस में जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ क्लियर कर दूँ मैं। फिर ये बेसिक था, मैं एडवांस में जाता हूँ अभी, और इसको भी इधर लास्ट आवर से ऑल टाइम कर देता हूँ। और मैं क्या करूँ, पासवर्ड सब कुछ साइट सब कुछ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैंने क्लियर कर दिया तो ये मेरे पास हो गया साइट। गूगल क्रोम को जो है ना मैंने इस उसकी कैशी को जो है ना क्लियर कर दिया। मैंने और कुछ नहीं करा, मैंने लिंक खोलना है और अपना ये जो EUACERP वो लिखना है, सही। ये हो गया। बाद लोग ये यूज़ करते हैं फायरफॉक्स। फायरफॉक्स में जो है ना हिस्ट्री को किस तरह क्लियर करते हैं, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास ओपन हो गई, सही है। आपने इधर ये कोने पे तीन डॉट्स आपके पास नजर आ रहे हैं, आपने इस पे क्लिक करना है तीन डॉट्स पे, सही है। तीन डॉट्स पे आपने क्लिक करने के बाद आपने ये प्रेफरेंसेस इस पे क्लिक करना है, जो कि इधर है। मैंने इस पे क्लिक किया प्रेफरेंस पे। इधर क्लिक करने के बाद मैंने ये स्क्रॉल का बटन नीचे करना है थोड़ा, सही है। नीचे करके मैं आ गया, अरे इधर, सॉरी, नीचे मैंने जब बटन क्लिक किया तो मेरे पास ये स्क्रीन आ रहा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। मैंने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद मैंने नीचे आना है। नीचे आके आपके पास ये कुकीज़ एंड साइट, ये मैंने क्लियर करना है एक दफ़ा, सही है। मैंने एक दफ़ा इसको क्लियर कर दिया। नाउ क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और थोड़ा नीचे आना है और हिस्ट्री को, जैसे कि ये आपके पास ये आ रहा है, मैंने इसको भी क्लियर करना है। आपने ये जो हिस्ट्री है ना, आपने हिस्ट्री इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ख्याल करना है कि ये आपके पास वो ना, और वो तो नहीं आ रहा। आपने क्या करना है, क्लिक करना है एवरीथिंग करना है, आपने सेलेक्ट करना है लास्ट आवर नहीं, एवरीथिंग। एवरीथिंग मेरे पास ऑलरेडी सेलेक्ट है, और ये फील्ड आपके पास जितने भी उसको फिल कर लो और ओके का बटन दबाओ। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास फायरफॉक्स में भी आपकी हिस्ट्री क्लियर हो गई। तो अभी आप इस बटन प्लस बटन पर क्लिक करो, इसको ख़त्म करो, और ये EUAC.uac.com/login एंटर करना, ये लगाएं ईमेल और एंटर करना है। तभी आपके पास लॉगिन पेज पे आ गया और आपके पास जो है ना आपकी जो हिस्ट्री थी वो क्लियर हो गई। थैंक